नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बस पर। मैं हूं नीतेश। दोस्तों आज मैं फिर आपको बताने जा रहा हूं एक और नई भर्ती के बारे में। ये भर्ती जस्ट निकली है और अभी इसके फॉर्म भी दो दिन बाद भरे जाएंगे, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। आप तैयार रहिए इस भर्ती के लिए। ये भर्ती किस स्टेट में निकली है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कुल कितने पद हैं, इसकी योग्यताएं क्या है, फीस कितनी है और एज लिमिट क्या है, ये सब जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो में। दोस्तों अपन इस नई भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। ये भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से, यानी कि UPSSC की ओर से ये भर्ती निकाली गई है। इसमें कुल पदों की संख्या की बात करें तो वो है 1477, और अगर पदों का अपन नाम देखें तो वो तीन प्रकार के पद हैं यहाँ। एक है सब इंजीनियर, दूसरा है कंप्यूटर यानी कि संगणक, और जो तीसरा पद है वो है फोरमैन का। अब इन तीनों पदों के लिए इंजीनियरिंग की योग्यता तो होनी जरूरी है, ये तो इसमें क्लियर हो गया कि इंजीनियर्स की भर्ती है, इंजीनियर की योग्यता होनी जरूरी है। पर क्या है कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पद हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, तो उसके लिए योग्यताएं भी अलग अलग निर्धारित की गई है। ये सब योग्यताएं आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो मूल विज्ञप्ति जो है वो खुल जाएगी। उसमें आपको किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए वो आपको पूरा डिटेल वहां मिल जाएगा। बहुत सारी योग्यताएं इसमें निर्धारित की गई, इंजीनियरिंग से लेकर के 12th क्लास तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो इसलिए योग्यता इसमें काफी सारी है। कुल पद बताए मैंने 1477। अब हम बात करते हैं इसकी फीस की। तो फीस जो है जनरल और ओबीसी के लिए 225 रुपए है, और STSC के लिए जो फीस है वो है 105 रुपए, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए है केवल 25 रुपए। तो आवेदन ऑनलाइन ही इसमें किया जाएगा, फीस भी ऑनलाइन ही जमा करा सकते हैं या फिर ई मित्र चालान के थ्रू भी जमा करा सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसके आवेदन की बात करें तो 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पूरे एक महीने का टाइम मिलेगा 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। अगर आप आवेदन भरने में कोई गलती करते हैं तो आप 7 दिसंबर तक उस गलती को भी सुधार सकते हैं, यानी कि दिसंबर में ये एग्जाम नहीं होने जा रहा, ये एग्जाम आगे ही इसके होगा, ये चीज क्लियर हो जाती है। अब कुछ विशेष चीज मैं आपको बता देता हूं जो आप इस फॉर्म भरते टाइम जरूर गलती करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में, इस भर्ती में विशेष कुछ बताया गया है फॉर्म भरते टाइम, वो आपको ध्यान होना जरूरी है। सबसे बात पहली बात तो ये कॉमन चीज है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट इकट्ठे रखने होंगे, ई मित्र पर ले जाने होंगे और आवेदन भरना होगा। लेकिन बात है फोटो को लेकर के, तो देखो फोटो को लेकर इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि फोटो एक तो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, ये सभी में होता है, लेकिन फिर भी इसमें मेंशन किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि फोटो 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो। दूसरी बात, फोटो में आपके दोनों कान आने चाहिए और आपका चिन्ह भी आना चाहिए, ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। आप गोगल लगा के ना खिंचवाएं फोटो, अगर गोगल लगाना है तो केवल आई साइड वाला है वही लगाएं, और उसमें भी फोटो खिंचवाते टाइम ध्यान रखें कि आपकी आंखें नजर आनी चाहिए, केवल गोगल पे धुंधलता नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसका जो बैकग्राउंड है वो या तो ग्रे हो या फिर सादा बैकग्राउंड होना चाहिए, ज्यादा चमक दमक वाला रंगीन या फिर मल्टी कलर जो बैकग्राउंड है वो इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप ये गलती कर देंगे ना तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इस तरह की भर्तियां या सरकार पे अपन दोष देते फिरते हैं या अफसरों को दोष देते फिरते हैं कि ये गलती कर दी वो गलती कर दी, जब गलती अपनी होती है तो इस तरह से भर्ती पे अटक सकते हैं। इस तरह गलती फॉर्म भरते टाइम बिल्कुल ना करें, ताकि स्मूथली ये काम आपका आगे होता चला जाए, आपके लिए भी हेडक ना हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। तो 40 साल तक का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। अब अगर वो ओबीसी से है, वुमेन है, SC ST से है या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी छूट इनके लिए दी जाती है अपर एज लिमिट में, वो इन सबको मिलने वाली है। तो ये भर्ती क्लियर हो गई। तीन पद है इसमें, सब इंजीनियर का पद है, दूसरा इसमें जो है कंप्यूटर संगणक का पद है, तीसरा जो है फोरमैन का पद है। कुल संख्या है 1477। 21 से 40 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की जो योग्यता है वो अलग अलग है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो विज्ञप्ति खुल जाएगी, वहां आप इसको देख सकते हैं। अब अपन बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट हुई 30 नवंबर, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें अगर गलती करते हैं फॉर्म में तो 7 दिसंबर तक आप जो है अपनी गलती को सुधार सकते हैं। फोटो के लिए फिर दोहरा देता हूं, फोटो आपके दोनों कान आने चाहिए, चिन्ह भी आना चाहिए ताकि फेस ढंग से आपका आ जाए। गूगल लगा के फोटो ना खिंचवाएं, पीछे का बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल सिंपल हो या फिर ग्रे हो, और 6 महीने से अधिक पुराना फोटो ना हो, यानी कि आप बचपन की फोटो मत लगा देना, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लगातार बनाता ही रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।